पेड़ की जो लंबाई है उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये पेड़ जरूरत से ज़्यादा लंबा है और इसके नीचे से ब्रांचेस बहुत कम हैं। ऐसे पेड़ लगाने के बजाय हमें स्ट्रॉन्ग पेड़ लगाने चाहिए जिसकी कॉलर से अगर मोटाई अच्छी है तो उतनी ही ये स्ट्रेंथ ले पाएगा। अब इसकी नीचे ब्रांचेस बढ़ाने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं, ये गलती तो हो ही गई है लगाने की, तो इसके ऊपर जो वर्टिकल ये जो टिप्स हैं ये जिनको एपिकल बड्स बोलते हैं, इन एपिकल बड्स को अगर आप तोड़ देंगे टॉप से, ये नज़दीक से देखिए आप इनको, ये अगर आप इसको तोड़ देंगे बीच में तो अब ये यहाँ से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये नीचे ब्रांचेस बढ़ाएगा और जैसे जैसे नीचे ब्रांचेस बढ़ेगी तो इस तने की जो है स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो जाएगी और ये पेड़ फिर भी वापस शेप ले सकेगा। आप एक ये जैसे ये लंबा पेड़ हो गया है, अब इस पेड़ की जो टॉप है एपिकल बड है, ये एपिकल बड को आप नज़दीक से देखिए, ये जो बड है ये बड को अगर आप इस तरह से तोड़ देंगे तो अब इसकी जो एपिकल ग्रोथ रुक जाएगी। ये एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो टॉप बड है इसको अगर आप तोड़ देंगे तो ये यहाँ से जो है इसकी ग्रोथ रुक के और ये नीचे ब्रांचेस देगा। तो पहली चीज़ तो आप लगाएं नहीं ऐसा पेड़ जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, अगर ये इस मोटाई का पेड़ है तो ये मुश्किल से यहाँ 4-5 फीट का होना चाहिए। नीचे से ब्रांचेज जो ये देखिए, ये ब्रांचेज नज़दीक से देखिए इसको, यहाँ और नज़दीक से दिखाइए, ये ब्रांच यहाँ पर जो है काटी हुई है, और नज़दीक से दिखाइए ये ब्रांच यहाँ पर काट दी है। तो ये जो ब्रांचेज काटते हैं अपन यहाँ जगह जगह से, वो नहीं काटनी चाहिए जब तक कि इसकी नीचे से स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो जाती, स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं हो जाता है तब तक नहीं काटनी चाहिए। और इस पेड़ का शेप बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए, इसकी अगर टिप आप तोड़ते रहेंगे जब तक कि नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए, फिर अच्छी ब्रांच और स्ट्रेंथ हो जाती है तो पेड़ बड़ा अच्छा हो जाता है। आप एक उदाहरण के लिए ये और पेड़ देखिए, ये जो यहाँ ये सुबाबुल का पेड़ है और बहुत ही सुंदर इसका एक वेल बैलेंस्ड क्राउन बन चुका है, जबकि सुबाबुल के पेड़ में बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारा पेड़ का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे पेड़ को मैनेज करें और कैसे हम उसकी जो है स्ट्रेंथ बनाएं, नहीं तो ये पेड़ कुछ झाड़ियाँ बन के रह जाएंगे, गिर जाएंगे, शेप बिगड़ जाएगा, आंधी बाहरे में टूट जाएंगे। तो इनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू।